हाँ, जब मौजू मीर मेहदी मजरूफ के नाम गालिब के खतूत जो मशहूर हैं, इन खतूत में दो खत मीर मेहदी मजरूफ के नाम और दूसरा मुंशी हर व पालतुख्ता के नाम, ये दो खत आपकी इस किताब में दर्ज हैं। इसने बेशुमार खतूत लिखे हैं। ये खत मीर मेहदी मजरू के नाम गालिब ने लिखा है। हाँ, आहा, इन हरूफ को या इस हरूफ को हरूफ ताजुब व अफसोस, जब ताजुब हो या अफसोस हो उस बिना पर, उस वक़्त जो हरूफ जबान से निकलते हैं उनको उर्दू ग्रामर में हरूफ इम्बिसात कहते हैं, जिसमें ताजुब हो अफसोस हो। मेरा प्यारा मीर मेहदी मजरू आया, गालिब ने इस खतूत में लिखा है किस तरह उसने इस खत का आगाज किया। आहा, वो पहले वो खुश हुआ, खुशी के मौके पर ऐसे हरूफ कहा जाते हैं। आहा, वाह 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 वाह, जब अफसोस हो तो फिर हमें उफ जबान से निकलता है, जब हमें खुशी होती है हम क्या कहते हैं, आहा, वाह 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 या शाबाश। मेरा प्यारा मीर मेहदी मजरू आया, मेरा प्यारा मीर मेहदी मजरूह आया, मून टोट मीर मेहदी मजरूह आ, मजरूह क्या सोचे मिस लाका विम थ, मजरूह को जख्मी, मजरूह को लफ्जी माने को जख्मी। आबाई मिजाज तो अच्छा है, पक्से बाया मिजाज चून वैसी ठीक, बैठो तशरीफ रखो, ये रामपुर है दारुल सुरूर है, दारुल सुरूर है खुशी का घर है, रामपुर खुशी का घर है। जो लुत्फ यहाँ से है, यहाँ है जो लुत्फ यहाँ है वो और कहाँ है, पानी सुभान अल्लाह, पानी इतना है कि उसने सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह बहुत बड़ा है, सुभान अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह ने हमें पानी अता किया। शहर से 300 कदम पर एक दरिया है जिसका नाम कोसी है, दरिया कोसी उस शहर रामपुर शहर के 300 कदम पर है दरिया कोसी, इसका नाम बे चश्मा बेशुबा बेशुबा जिसमें कोई शक न हो, चश्मे आबी हयात की कोई सूद इसमें मिली है। आबी हयात आपको पानी, हयात हयात वो जिंद या मानो जिंदगी, आबी हयात जिंदगी बख्श पानी, सो आप ییٚمہِ سۭتۍ انسان زندٕ روزِ یا ییٚمہِ سۭتۍ انسانس عمر بڑِ۔ یہِ پٲٹھۍ حٲج صٲب سٲنۍ چھِ تورٕ اَنان آبِ زم زم، تتھ تہِ ونو آبِ حیات۔ آبِ حیات کی کوئی سوٗت اس میں ملی ہے، سوٗت چھُ پانی نکلنے کی جگہ، یِم جے آب نیران چھُ کُنہِ جایہِ وُزان آب زٔمیٖنہِ منٛز، تتھ چھُ ونان سوٗت، پانی نکلنے کی جگہ، یا یِم جایہِ دٔریاو نیرِ یا کانٛہہ کۄل نیرِ تتھ جایہِ تہِ، یِتھ پٲٹھۍ دٔریاے جہلِم چھُ اسہِ نیران ویری ناگ منٛز، آ ویری ناگَس منٛز کۄکر ناگ نہٕ کۄکر ناگ، آ ویری ناگ منٛز چھُ نیران یِتھ پٲٹھۍ دٔریاے جہلِم، یُس طرح دٔریاے جہلِم ویری ناگ سے نِکل رہا ہے، گوٚو دٔریاے جہلِم کا ممبا، دٔریاے جہلِم کا سوٗت ویری ناگ جہاں سے دٔریا نِکلتا ہے، اسی طرح پانی نکلنے کی جگہ کو سوٗت کہتے ہیں۔ کوئی آبِ حیات کی کوئی سوٗت اس میں ملی ہے، دٔریاے کوسی
पानी इतना मीठा है जैसे इसमें आबी हयात की कोई सूत इसमें मिली है। पानी आबी हयात जो ज़मीन से निकलता है, कोई कुछ तय रलित अत आब सो। खैर अगर यूं भी है तो भाई आबी हयात उम्र बढ़ाता है, लेकिन इतना शीरीन कहाँ होगा। आबी हयात जिससे उम्र बढ़ जाती है, लेकिन इतना शीरीन कहाँ होगा, इतना मज़ेदार शीरीन। मज़ेदार शीरीन का मतलब क्या है? मज़ेदार, जितना दरियाए कोसी का पानी शीरीन है, मज़ेदार है, इतना और कोई पानी नहीं होगा। तुम्हारा खत पहुंचा, मैंने तुम्हारा खत पढ़ा, मेरे पास वो पहुंचा। तरदुद अबस, तरदुद गो फिकर या खूब, अबस क्या सो गो फजूल, खौफ ते ओसो। मेरा मकान डाकघर के करीब, मेरा जो मकान है वो हम डाकघर के करीब है, वो डाक मुंशी मेरा दोस्त, और मेरा ये डाक मुंशी जो है हमारे गांव का, वो मेरा दोस्त है। उर्फ लिखने की हाजत है हमें, आपको उर्फ लिखने की हाजत नहीं है। अगर आपको मेरे पास चिट्ठी भेजनी है, मुझे चिट्ठी लिखनी है, मुझे चिट्ठी भेजनी है, उर्फ लिखने की कोई हाजत नहीं है। उर्फ निक नेम टाठियार सिस बुलावा नाव सुहेल अहमद, कहो जुल्फा, कहाना जुल्फा, सुहेल नाव जुल्फा गो निक नेम उर्फ। इस महालस मे पहचान गाव स। मेरा घर मकान, मेरा मकान डाक के घर के करीब है, और डाक मुंशी मेरा दोस्त है। उर्फ लिखने की हाजत न महले की हाजत। आप को जो खत लिखना है, आप उसमें न उर्फ लिखिए न महले की का नाम लिखिए। बेवसवास खत भेज दिया कीजिए, बेखौफ, वसवास को खौफ, बेखौफ आप मुझे खत भेज दिया कीजिए और जवाब लिया कीजिए, और मैं आपको जवाब यहाँ से भेज दिया करूँगा। यहाँ का हाल सब तरह खूब है, यहाँ हाल बहुत अच्छा है, हालात यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और सेहत मरगूब है। इस वक्त तक मेहमान हूँ, इस वक्त तक मैं जब रामपुर में आया, आज दिन तक मैं यहाँ मेहमान हूँ। देखूँ क्या होता है, ताज़ीम व तौक़ीर में कोई दिखी का फरो गुज़ाश्त नहीं है। ताज़ीम व तक़रीर इज़्ज़त करने में या वक़्त में, ताज़ीम गो इज़्ज़त, तौक़ीर गो वक़्त में कोई दिखी का फरो गुज़ाश्त नहीं है। हमें कोई कमी वाक़ नहीं, दिखी का फरो गुज़ाश्त नहीं है। दिखी का फरो गुज़ाश्त का मतलब है कोई कमी वाक़ा न होना, या हर मुमकिन कोशिश करना। कशिर पे वन बात दपान रामपुरस मज़ लिखा गालिब, गालिब वन बस रामपुरस मे हसा ये कुन चीज कमी गुत पोस वुकान, मगर लूख इज़्ज़त करा या वक़्त मी लूकन मज़ तमिच नसा कमी कहाँ। लड़के दोनों मेरे साथ आए हैं, मेरी लड़का जो जो मेरे लड़के हैं वो मेरे साथ यहाँ आए हैं। इस वक्त इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता, इस वक्त मैं इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता हूँ। फरवरी अब लिखी उसने ये चिट्ठी, फरवरी 1860 ईस्वी में। मैं मजदूर के नाम ये गालिब का खत, इसके बारे में पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम मुंशी हरगोपाल तुप्ता के नाम पढ़ेंगे, जिस तरह गालिब ने मुंशी हरगोपाल तुप्ता के नाम खत लिखा।